वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे राजस्थानी गोंद के लड्डू। टेस्टी होने के साथ साथ इसे सर्दियों में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह नाश्ते में एक लड्डू खाने से पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे और इसे गरम करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा गोंद डालकर इसे फ्राई करेंगे। ये मैंने आधा कप गोंद लिया है जो वेट में 100 ग्राम है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। ये गोंद अच्छे से फूल चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। ये मैंने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। अब हम उसी पैन में डेढ़ बड़े चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें एक कप आटा डालेंगे और ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। हमें इसे चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये आटा भून चुका है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब हम इसमें किशमिश, बादाम, काजू डाल देंगे। बादाम और काजू को मैंने कूट लिया था। मैंने डेढ़ कप नारियल का बूरा लिया है, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। मैंने सूखे नारियल के गोले को छोटे छोटे पीसेस में करके ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसकी हेल्प से इस तरह से गोंद को क्रश कर लूंगी। अब हम गोंद में हमारे मिक्सचर को डाल देंगे। हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। उसी पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। हम इसमें 300 ग्राम गुड़ डालेंगे जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। हमें इसे लो फ्लेम पे ही मेल्ट करना है। हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गुड़ के मेल्ट होते ही हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, नहीं तो हमारे लड्डू सख्त बनेंगे। अब हम तैयार मिक्सचर में हमारे गुड़ को डालेंगे। हम इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसके हल्के गरम में ही लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमारा लड्डू कितना अच्छा बना है। अब इस तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। हमारे ये लड्डू सर्व करने के लिए तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।